यहाँ से अब अमरकंटक के लिए लिफ्ट लेना शुरू करूँगा। इसी से भी लिफ्ट मांगेंगे तो रतनपुर के लिए, रतनपुर से आगे केंदा, अच्छा केंदा से आगे केवची से आगे अमरकंटक। ओके छत्तीसगढ़ में आप मेरे तरफ ये सर ना, सर लोग बड़े अच्छे मिल गए सर, सुनिए ना ये, थैंक यू सर। ये क्या है जो है, क्या है सर, लस्सी, ये मट्ठा बोलते हैं यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, मट्ठा बोला जाता है। ओके सर, हाँ थैंक यू सर आप लोगों का। आपको छत्तीसगढ़ में आग कैसा लगा? बहुत ही शानदार सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम अपने होस्ट के घर से विदा ले रहे हैं, हमें पहुंचना है रायपुर और उसके बाद मैं हिचहाइकिंग करके अमरकंटक पहुंचना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, अब हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लोकल ट्रेन जर्नी। तो यहां पे 60 रुपीज़ लगा, तो इक्का दुक्का पैसेंजर ट्रेन चलती है, क्लीनिंग बहुत अच्छी है, पूरा स्टेशन साफ सुथरी। यहां से बेसिकली ना आयरन ओर ही ट्रांसपोर्ट होता है, पूरा एरिया आयरन ओर से भरा हुआ है। रायपुर और बाकी की ट्रेन है 30। फ्रेंड्स मैं ना रायपुर पहुंचने के बाद यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी अमरकंटक के लिए। दूर नहीं मरूंगा, चाहिए मरोगा उसके बाद दूर। बाय बाय। आज सुबह हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली राजमार्ग से और हम पहुंच गए रायपुर। वापस होगी इसलिए क्राउड है, लोग वापस आ रहे हैं ट्रेन में, मतलब ये थोड़ी देर बाद ट्रेन में वापस घंटा गाड़ी नहीं कर रहे। जनजाति सुरक्षा मंच, तो ये लोग असुरक्षित कैसे हो गए ये नहीं समझ रहा। तो असुरक्षित कैसे हो गए आप लोग? जनजाति सुरक्षा मंच का रैली भी है यार। स्टेशन से बाहर और आगे की जर्नी फिर स्टार्ट करेंगे। ये रायपुर रेलवे स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल साफ। तो ये बड़ी वाली सब जगह पे लगा दी गई है। यहाँ से अब अमरकंटक के लिए लिफ्ट लेना शुरू करूँगा। बहुत क्राउड है, मतलब ये है रायपुर NIT कॉलेज, ये है रायपुर का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। जयप्रकाश सर ने लिफ्ट दिया, थैंक यू सर। लंच करने में टाइम वेस्ट क्यों करना, केले खाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा बिलासपुर के लिए। अजी लिफ्ट, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। मैं अमरकंटक का ट्रिप करूँगा और अमरकंटक के बाद फिर उधर खजुराहो वगैरह निकल जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू सर। है ट्रैफिक तो है सर, लिफ्ट तो ये लिफ्ट मिली रिंग रोड, रायपुर रिंग रोड पे बिलासपुर वाली। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 5 मिनट होगा सर, बड़े अच्छे हैं इससे गाड़ी रोक दिया। ये रोड बनने से फायदा है कि नहीं? टाइम बचता है ना सर? हाँ टाइम बचता है। कैसे पॉलिसी ये प्रॉब्लम बनने से ना बहुत टाइम सेव होता है सर। सर के साथ सफर यहीं तक रहा, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? रोहित साहू सर। यहाँ से मुझे जाना है यार अमरकंटक, और अमरकंटक के लिए रास्ता कौन सी है मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ, पता कर लेता हूँ। बिलासपुर तरफ जा रहे हैं सर, अमरकंटक तरफ मुझे जाना ही है। आप अमरकंटक जाओगे? हाँ हाँ, लिफ्ट ले लेके ही जाऊँगा। ओके सर, तो सर चक्रभाटा तक जाएंगे आपका? योगेश पांडे सर मिले, थैंक यू सर आपने गाइड किया। तो ये लिफ्ट मिल गई और सर मुझे बोल रहे हैं दूसरे रूट से जाना था, बट चलो आपको पिकअप कर सकते हुए निकल जाएंगे। थैंक यू सर लिफ्ट देने, बाय सर। से भी लिफ्ट मांगेंगे तो रतनपुर के लिए, रतनपुर से आगे केंदा, अच्छा केंदा से आगे केवची से आगे अमरकंटक। ओके, रतनपुर केंदा केवची अमरकंटक। ओके सर, थैंक यू। ये शहर एरिया से बाहर सर के साथ चला जाऊंगा।
क्या नाम है सर आपका? बजरंग यादव। बजरंग यादव और सर ने हमें ओके आप यही के सर ना सर लोग बड़े अच्छे मिल गए सर सुनिए ना ये थैंक यू सर ये क्या है जो है क्या है सर लस्सी ये मट्ठा बोलते हैं यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में मट्ठा बोला जाता है ओके सर हाँ थैंक यू सर आप लोगों का आपको छत्तीसगढ़ में कैसा लगा बहुत ही शानदार सर यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं क्योंकि देखिए आज मैं सर लोगों की हेल्प से 250 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ और अभी और मुझे 140 120 किलोमीटर और अमरकंटक पे जाना है लेके जाते हैं लिफ्ट ले लेंगे हमारे साथ लिफ्ट लेकर रतनपुर तक चलो चलो सर ये सर लोग लिफ्ट दे दिए और सर ने लस्सी भी पूछ लिया चलें सर ये लिफ्ट मिल गई सर लोग रतनपुर तक जा रहे हैं चलो मैं रतनपुर के लिए पूछ भी रहा था सर नहीं रतनपुर में हमारा क्या है वो महामाया मंदिर जो है वहाँ हमारा घर है सभी चीज है चलिए चाहिए तो वहाँ धर्मशाला है वहाँ ठहर सकते हैं हम फ्री में रुकेंगे सर आज छत्तीसगढ़ में हमारे जैसा जो हमारे जो रतनपुर का स्वभाव है जी 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 वो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी मंदिर मंदिर ही है सर ये भैरव बाबा मंदिर ये जो है ये था लक्ष्मी देवी मंदिर ये हनुमान जी का मूर्ति बना गया है वहाँ से थोड़ा सा नीचे लेंगे तो लक्ष्मी देवी माता का मंदिर वहाँ स्थापित है एंट्री है अपना भैरव बाबा के जस्ट 100 मीटर दूर में सिद्धि विनायक मंदिर भी है एक और मंदिर है माँ तुलजा भवन ये लिफ्ट मिली मंदिर तक के लिए ये है महामाया माता मंदिर मार्ग तो ये रतनपुर ऐतिहासिक महामाया माता मंदिर ये है रतनपुर जिसको रतनपुर कहा जाता था ऐतिहासिक जगह है बताते हैं यहाँ काफ़ी प्राचीन है ये महाभारत कालीन जगह है और यहाँ अभी हमने पूछा रुकने के लिए तो ये अतिथि निवास है सामने भी लक्ष्मी महालक्ष्मी अतिथि निवास है तो गेस्ट हाउस है यहाँ आपको जगह मिल जाएगी कमरा मिल जाएगा तो ये है महा सरस्वती अतिथि निवास और यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं 100 रुपया 250 रुपये इस तरह से लगता है यहाँ पे है ना एसी लेंगे तो 400 रुपया लगेगा कोई सूट भवन लेंगे तो 250 रुपये तो ज़्यादा नहीं है 100 रुपये लगेगा और वो भी 100 रुपया जो हमें लिफ्ट दिए थे उन लोगों ने ही जमा कर दिया ये है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया उन्होंने लिफ्ट भी दिया और पीछे पीछे आए भी मैं आ गया था पहले एक आदमी मुझे लिफ्ट दे के यहाँ तक ले आए और फिर उन्होंने ना मुझे छोड़ा फिर साथ में वो लोग भी आ गए और मुझे 100 रुपया जो है ना उन्होंने जहाँ पे जमा करना होता है वो 100 रुपये भी उन्होंने ही दे दिया तो यहाँ पे हमें कमरा मिल गया ठीक है और कमरा मिल गया हम रुकेंगे यहाँ पे थैंक यू सर कमरा देने के लिए तो ये है धर्मशाला में एक कमरा मुझे मिल गया है यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है और इसमें ये भी चादर भी है सब है और यहाँ पे वहाँ का जो है 7 बजे आरती होती है दरबार में ना पूरा दुकानें सजी हुई है और राहुल सर ने हमारा काफ़ी मदद किया अरे क्या मदद रूम भी दिलवाया और रूम का चार्ज दे दिया अगर हम और अपना फर्ज बोल रहे हैं रूम का चार्ज भी इन्होंने दे दिया बड़ा दिल है आपका आपकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है जो अपनी मदद को फर्ज समझता है तो ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम लोग बोलते हैं मिल गई हमें है ना अपनी दादी है दादी का व्यवहार ऐसा लगा जैसे अपनी दादी से मुलाकात हो गई दादी अब कितने एज की हो गई होंगी 80 प्लस हो गई ना 80-90 के आसपास हो गई है दादी और अभी भी दुकान संभाल रही है पूरा यहाँ से दरबार स्टार्ट होता है ये दरबार है जा रहे हैं महामाया माता मंदिर दर्शन करने और यहाँ से एंट्रेंस होती है फिर मंदिर माता का प्राचीन मंदिर महामाया माता मंदिर रतनपुर काफ़ी प्राचीन है ये तो मंदिर जो है महाभारत कालीन ऐसा बताया जाता है ये शर्मा भोजनालय यहाँ पे आपको खाना नाश्ता कंटिन्यू ताज़ी ताज़ी रोटी मिल रही है बिल्कुल तो मिलेगा आपको खाना और ये है आज रात का खाना हमारा शर्मा भोजनालय और बिल्कुल मंदिर के पास शुद्ध भोजन मिला एकदम रोटी ताज़ी ताज़ी बना कर मिला है अच्छा लगा खाना रात का खाना खा लिए बाय बाय।
चहल पहल रहती है, मंदिर के पास में ही मंदिर है। सुबह मिलेंगे, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, और सुबह मुलाकात होगी आप लोग से।